रॉयल अंदाज में रहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इतनी बोल्ड है कि जो कोई देखता है तो देखता ही रह जाता है, या फिर आप उस पर ब्रांडेड कपड़े या जूते ही पहन लें और ऊपर से महंगे चश्मे लगा लें तो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लग जाते हैं, फिर आप उस पर तान कर मूछें रख लें तो आपका अंदाज रॉयल दिखना लाजमी है। मगर सोचिए, कोई आपको इस वजह से मारने पीटने लग जाए, इतना ही नहीं इसके लिए आपकी हत्या ही कर दी जाए, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि भला पर्सनैलिटी के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। मगर ऐसा ही किया गया है। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है पूजा अंबेडकर, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। कोविड हेल्थ सहायक जितेंद्र पाल मेघवाल, जो राजस्थान बाली के बारवा गांव का रहने वाला था और दलित समुदाय से था, उसने सोशल मीडिया पर अपने कई फोटो और पोस्ट अपलोड कर रखे थे। उसका टैगलाइन था, मैं अमीर नहीं हूं लेकिन दिल से रॉयल हूं, और वो रॉयल पर्सनैलिटी में भी रहता था और उसने तान कर मूछें भी रखी हुई थी, और उसका यह स्टाइल आरोपी सूरज सिंह के दिल में जलन का कारण बना, और इसी के चलते आरोपी सूरज सिंह ने जितेंद्र पाल को चाकू से पीठ और सीने पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। ये मामला भी थमा भी नहीं था कि राजस्थान के धौलपुर बाड़ी में ही फिर से ऐसी घटना को अंजाम दिया गया ठाकुरों द्वारा। जी हाँ, फिर से ये वहाँ हर्षाधिपति वाल्मीकि नाम के दलित को बुरी तरह मारा पीटा गया और उसे जाति सूचक गालियाँ दी गईं। हर्षाधिपति वाल्मीकि विद्युत निगम में JEN है और उनके साथ मार पिटाई करने वाला कोई और नहीं, बाड़ी का ही विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा है और उसके समर्थक थे। गिरिराज सिंह और उसके समर्थकों ने हर्षाधिपति वाल्मीकि को लाठी डंडों से मारा और उसके पैरों और घुटनों पर तब तक वार करते गए जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। उसके बाद विधायक और उसके समर्थकों ने उसके सर पर जोरदार वार किया, जिसके बाद विधायक की बदतमीजी और क्रूरता यही नहीं थमती। वो वाल्मीकि के मुंह पर पैर रखकर कहता है कि ठाकुरों के गांव से ट्रांसफर उठाएगा, और कहकर उसके सर पर कट्टर तान दिया। क्या ये आपको एकदम फिल्मी नहीं लगता? जैसे फिल्मों में ठाकुरों का गांव दिखाया जाता है, उसका विधायक एक माफिया की तरह होता है, उसके आगे पीछे उसके समर्थक लाठी डंडे और कट्टे साथ लेकर चलते हैं। जब वो गांव के दौरे पर निकलता है तो गांव की जनता भगदड़ मचा देती है और घरों में घुस जाती है उसके डर से, और औरतें आदमी जो सामने होते हैं वो हाथ जोड़कर सर नीचे झुकाए नजरें नीचे किए उस विधायक के आगे खड़े रहते हैं। वहीं अगर किसी युवक ने हक की बात की तो वो विधायक उसको अपने समर्थकों से कुटवा देता है, और अगर वो ज़्यादा बगावत पर आता है तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? क्या पुलिस व्यवस्था इतनी लाचार हो गई है कि इस तरह के राजनीतिक गुंडों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले राजनीतिक गुंडे ही क्यों होते हैं? वो भाजपा ही के ही क्यों होते हैं? और इस तरह के गुंडों पर पुलिस और कानून अपना शिकंजा क्यों नहीं कसता? क्या ये सब भी सरकार के साथ मिले हुए हैं? और फिर इस तरह की बर्बरता दलितों पिछड़ों पर ही क्यों की जा रही है? क्यों किसी स्वर्ण को नहीं पीटा जाता? क्यों किसी स्वर्ण की लिंचिंग नहीं होती? क्यों किसी पॉलिटिशियन के बेटा या बेटी के साथ मार पिटाई, हत्या या रेप नहीं होता? मेरे इस कथन में ये कहने का मकसद नहीं है कि स्वर्ण की बेटियों के साथ रेप हो, क्योंकि रेप रेप होता है, चाहे वो अमीर की बेटी के साथ हो या फिर गरीब की बेटी के साथ हो, निंदा दोनों ही सूरतों में की जानी चाहिए। मगर ऐसा हमारे देश में नहीं होता। हमारे देश में ऐसे रेपिस्टों को सरकार की तरफ से Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, बल्कि सरकार में बैठे उच्च पद के लोग उनकी शरण में जाते हैं और उनके चरणों में पड़े रहते हैं। आखिर कब तक दलितों, पीड़ितों और अल्पसंख्यकों को अपनी जान इन सत्ताधारियों और ठाकुरों द्वारा गंवानी पड़ेगी?
कब तक ये ऊंची जात वाले स्वर्ण सरकार की छत्र छाया में पलते रहेंगे और दलितों का खून पीते रहेंगे? क्या सत्ता में बैठी सरकार इन सभी मामलों पर निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी? क्या ये सरकार जिन दलितों का और अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनके घर वालों को पैसा ना देकर कोई रोजगार देगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों को अपने हक की आवाज के लिए खुद आगे आना होगा और जुटना होगा। यही प्रयास भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं और जितेंद्र पाल मेघवाल और हर्षाधिपति वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए 2 अप्रैल से पाली जिला मुख्यालय पर उन्हीं मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन स्वाभिमान जन आंदोलन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, हक की लड़ाई है, जिसके लिए आपको ही संघर्ष करना होगा, तभी आप इस लड़ाई को जीत सकते हैं और आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।